यूपी की योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि राज्य और देश में लोकप्रियता के आधार पर सरकार बनी है। 2014 के पहले देश में बम फटते थे, अब शांति। राज्य के पहली बार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उनके विकास उनके काम व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश में पहली बार 17 के बाद पहली बार 22 में सरकार लोकप्रियता के आधार पर जीते हैं और 14 जीते, 19 जीते, 24 में गरीब कल्याण योजना और लोकप्रियता के आधार पर सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पराकाष्ठा के आधार पर हम चुनाव जीते। किसकी पॉपुलैरिटी के आधार पर सरकार बने, किसकी लोकप्रियता के आधार पर? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, 17 के पहले 14 के पहले देश में बम फटते थे, श्रीनगर में बम फटते थे, संकट मोचन में बम फटते थे, ताज होटल में बम फटते थे, संसद भवन में बम फटते थे, अयोध्या में बम फटते थे। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद एक भी बम नहीं फटता है। आज राज्य शांति के, श्रीनगर पर पहले सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, भारत माता के जय बोलने में लोग डरते थे, आज उसी श्रीनगर चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है और भारत माता की जय बोली जाती है। कल महाराष्ट्र के डिंडोरी की रैली में पीएम मोदी ने शिवसेना उद्धव गुट पर बड़ा हमला बोला था, उसके बाद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है, देखिए रिपोर्ट। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर बिफरे हैं जिसमें उन्होंने उद्धव गुट की शिवसेना को नकली शिवसेना बताया था। पहले सुनिए पीएम मोदी का वो बयान। ये नकली शिवसेना नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। पार्टी नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने का काम तो बीजेपी ने ही किया था। चोरी की ये मान्य किया, ये कैसे लोग हैं? इस पार्टी चोरी की, चोर कौन है? चोर को मदद किसने किया? चोर को मदद करने वाले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चुनाव आयोग। कल महाराष्ट्र के डिंडोरी में पीएम ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव गुट का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार दिन रात पसीना बहा रहे हैं और विरोधियों पर हमला भी बोल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में बयानबाजी और तेज हो गई। ये जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, ये बहुत ही अननेचुरल अलायंस है, क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटी है तो हमेशा आम आदमी पार्टी ने उसको निगल कर सत्ता ली है। स्वार्थ का टिका हुआ ये गठबंधन जर्जर कर भुरभुरा रहा है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और दिल्ली की जनता विकास के लिए वोट करेगी, मोदी जी के लिए वोट करेगी, विकसित भारत के लिए वोट करेगी और सातों की सातों सीटें भाजपा की झोली में देगी। कभी मन की बात कहते हैं, कभी जो है नोटबंदी की बात कहते हैं, कभी GST की बात कहते हैं। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से कह ही रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए किया क्या है, देश के लिए किया क्या है। और आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से पूछिए कि जो प्रतिनिधि हैं यहाँ किए, वहाँ उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया है। समस्याएं जस की तस पड़ी हुई हैं। कहने वहने की बात छोड़िए, अब करने की बात है। जिन्होंने काम नहीं किया है उनको गद्दी छोड़ करके जाने की बात है। इधर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गृहमंत्री अमित शाह के POK से जुड़े बयान पर तंज कसा है और कहा है कि पहले चीन के कब्जे से जमीन छुड़ाएं। अगर 400 सीटें आई तो POK पे कब्जा कर लेंगे और अगर नहीं आई तो नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि करें, जरा थोड़ा लालांच तो दिखाएं। और जो 4000 किलोमीटर का कब्जा चीन ने कर रखा है यार, वो तो पहले वापस लो, वहां तो थोड़ी आंख लाल आंख दिखा दो कि क्या वो लाल आंख धीमी पड़ गई है। ये किस किस्म का बयान है? ये आप गृह मंत्री हो, आप वोट के लिए क्या क्या नहीं कह सकते? ये लोकतंत्र है, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। ऐसे बयानों से लगता है कि आप
उस दौर जा रहे हो जहां आपके पैरों से जमीन खिसक रही है।